चिंटू, हमें चांद पर पहुंचने में और कितना समय लगेगा? बस थोड़ी ही देर में हमारा रॉकेट चांद पर पहुंच जाएगा। मेरा हाथ छूट रहा है चिंटू। अरे किंकी, अपना हाथ छोड़ना मत, नहीं तो तुम क्या बोल जाओगी। वो देखो चिंकी, हमारी पृथ्वी एक बॉल की तरह है और हमारा घर उसी में है, लेकिन पृथ्वी आसमान में लटकी हुई कैसे है? वो गिरता क्यों नहीं है? वो नहीं गिरेगा चिंकी। अब चुप रहो, चांद पर हम पहुंचने वाले हैं। चिंटू और चिंकी, तुम दोनों जोर से रॉकेट को पकड़ लेना। इतने बड़े बड़े पत्थर आसमान में उड़ कैसे रहे हैं? इन पत्थरों से बचकर रहना तुम दोनों। चिंकी, चांद हमें दिख गया, कितना सुंदर है वो। लो हम पहुंच गए चांद के अंदर। दूर से तो छोटा दिख रहा था, अंदर से कितना बड़ा है ये। मालिक 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 मालिक, धरती से इंसान हमारे ग्रह पर आ रहे हैं। क्या यहाँ इंसान आ रहे हैं? हाँ मालिक, हमने देखा कि वो एक बड़े ऐसे मशीन में बैठकर आ रहे हैं। तो जाओ और उन इंसानों को पकड़ने की तैयारी करो। चांद पर आने की सजा उनको जरूर मिलेगी। हम अभी उन्हें पकड़ने की तैयारी करते हैं मालिक। ओह नो! चिंटू और चिंकी तैयार हो जाओ, अब रॉकेट चांद पर उतरने वाला है। चिंटू, यहाँ तो दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं है, तो हम खाएंगे क्या? खाने पीने की बात मत करो चिंकी, नहीं तो मुझे भूख लग जाएगी। पकड़ो 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 पकड़ो, इन इंसानों को जाने मत देना। अब चांद पर ये कौन आ गए? लगता है वो दूसरे देश के वैज्ञानिक हैं, वो भी हमारी तरह चांद पर आए हैं। अरे वो वैज्ञानिक नहीं, एलियन है। एलियन? सबको चारों तरफ से घेर लो। अब सबको पकड़ कर मालिक के पास ले चलो। तुम सबने हमें क्यों पकड़ लिया? मुझे छोड़ दो एलियनो।